जज्बों को बैरिकेड की जरूरत नहीं पड़ती, जज्बे दिल से होते हैं, सोच से होते हैं। आप बैरिकेड के आप कुछ भी लगा दी, जिसको आना है वो आएगा, अपने तवायफ मीडिया पे चिल्लम चिल्ली मचाएंगे। तो आओ ना किसान, तो तुम्हें बुला रहा है, आओ तो आते क्यों नहीं हो? एक माँ का दूध पिया तो आओ, किसान तुम्हें पुकार रहा है। इम्प्लांटेड आरएसएस के स्लीपर बॉम्ब थे, वो जाफरानी गुंडे थे जिनको वहाँ का मूवमेंट खराब करने के लिए भेजा गया था। आईटी सेल का स्लीपर बॉम्ब दीप सिद्धू झंडा फहरा रहा था, उसको गोली मार के क्यों नहीं गिराया तुमने? राकेश टकैसा इसलिए रोए थे कि देखो किसान के साथ ये क्या करने वाले हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। और राकेश टकैत के एक बुलाने के बाद आप देखिए लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए। सरकार तो ये दिखा रही है, बीजेपी ये दिखा रही है, आरएसएस ये दिखा रहा है, इनका मीडिया ये दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लोग जा चुके हैं, ट्रैफिक खुल चुका, लेकिन आप देखिए कहाँ खुला है, इनका स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रहा है। जब आप बैरिकेड लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, तो बंदा आएगा कहाँ से? सारे किसान 26 जनवरी पे यहाँ से गए थे, फिर आपने देखा आईटीयू पे एक किसान को उन्होंने गोली मारी थी, लेकिन जो लाल किले पर इनका आईटी सेल का स्लीपर बॉम्ब दीप सिद्धू झंडा फहरा रहा था, उसको गोली मार के क्यों नहीं गिराया तुमने? वहाँ गोली मारनी थी, गोली भी गलत चलाई, अन्नदाता को मारा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आके कैप्चर कर लिया, क्योंकि किसान यहाँ से जा चुके थे, इन्होंने यहाँ पर आकर गाजीपुर को कैप्चर करा पुलिस ने, और बर्बरता मचाने की कोशिश करी, और फिर इनके मीडिया ने दिखाया कि देखो तमाम किसान डरकर भाग गए। बीजेपी एमएलए भी यहाँ उत्पात मचाने आए थे भाई, उन्होंने वही वाला रोल प्ले करा था जो एनआरसी में करा था, दिल्ली दंगों में करा था कि मोटे मोटे लट घुसा हम तुम्हारे साथ है, दिल्ली पुलिस इनको बजाओ हम तुम्हारे साथ है, इन्होंने यहाँ ब्रिज के नीचे करा था कल। तो इनके करने से कुछ नहीं होता, ये लोग यहाँ पर अपने पूरे जज्बे के साथ बैठे, ये कोई आम यहाँ पे पिकनिक नहीं मनाया जा रहा। और मैं लगातार ये कह रही, कोई भी इनकलाब जो आता है उस वक्त आता है जब आप अपने दिल से मौत का खौफ खत्म कर देते हैं। भीड़ जमा करने से इनकलाब नहीं आता, और भीड़ जमा करने से अगर इनकलाब आता तो बीजेपी वाला जगह जगह भीड़ जमा करते फिरते, आता है इनकलाब, कोई सुनता है इनकी? तो ये तांडव मचाते फिरते कभी यहाँ कभी वहाँ। आज देखिए सिंघू बॉर्डर पे इनकी नौटंकी चल रही है, सारे के सारे आरएसएस के चट्टीधारी वहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। किस तरह से इसको आप लगातार देख रहे हैं कि जो हमने कल देखा सिंघू बॉर्डर पे, भी आज हमने देखा, बताया जा रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया कह रही है कि वो स्थानीय लोग हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी आज टकराव देखा है। तो स्थानीय लोग आप तो नहीं कह रहे ना, आप तो ये कह रहे हैं वो आरएसएस वाले थे, मैं तो नहीं बोल रही ना, किसान तो नहीं बोल रहे ना, वो स्थानीय लोग थे, वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो इम्प्लांटेड आरएसएस के स्लीपर बॉम्ब थे, वो जाफरानी गुंडे थे जिनको वहाँ का मूवमेंट खराब करने के लिए भेजा गया था। कल यहाँ पे तांडव मचा रहे थे, आज वहाँ तांडव मचा रहे, हो सकता है कल टिकरी बॉर्डर का नंबर हो। तो ये तो एक तरह की कठपुतलियां हैं, स्लीपर बॉम्ब है, कभी यहाँ फटेंगे, कभी यहाँ फटेंगे, कभी यहाँ फटेंगे। हमने देखा कि लगातार जिस तरह से कल कैद साहब के रोने के बाद लोगों पर असर हुआ है, क्या आंदोलनकारी बीजेपी के उस नेता को शुक्रिया कहेंगे? हाँ, शुक्रिया बनता भी है कि उसके एक गलत हरकत ने, उसके एक उत्पाद ने भारत के लोगों को जगा दिया, जज्बा लगा दिया। अभी भी देखिए कितनी बैरिकेड लगे हुए हैं, मैं भी 2-2.5 किलोमीटर चल के यहाँ पर पैदल तक आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ देखिए आप, दिल धरने की जगह नहीं है। तो राकेश टिकैत साहब ने भी अपना जज्बा दिखाया, और वो जिस तरह रोए, हालांकि लोग कह रहे हैं डर के रो गए, अबे डर के नहीं रोए थे, वो इसलिए रोए थे कि यहाँ पर नरसंहार हो रहा था, यहाँ पर किसानों के खून से तुम सड़क ला करने के मूड में थे, वो तो मीडिया की वजह से तुम रुक गए। तो राकेश टकैत साहब इसलिए रोए थे कि देखो किसान के साथ ये क्या करने वाले हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं, इसलिए रोए थे। और राकेश टकैत साहब की एक दहाड़ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए, तो ये मोमेंट उन्हीं का है। दो दिन तक मायूसी के बाद में कल जिस तरह की चीजें हुई हैं, आगे कैसा देख रहे हैं आप? मायूसी नहीं थी, अगर आप किसी चीज को जाकर कैप्चर कर लो और हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो मायूसी नहीं थी, हम यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, या हमें पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। अब ये नंगे हो गए, बेनकाब हो गए कि ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी सरकार की थी, दीप सिद्धू इनका इम्प्लांट बंदा था, पीएमओ ऑफिस उसके तार जुड़ते थे, तो सब लोगों को वाली बात समझ में आ गई कि नहीं, भारत का अन्नदाता कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। और टकैत साहब पे जो इल्जाम लगते थे वो सारे धुल गए, लोग कहते थे नहीं इसके आदमी है, उसके आदमी है, अब लोगों को पता चला कि नहीं, राकेश टकैत साहब कल भी किसानों के नेता थे, आज भी है, और भारत में इनसे बड़ा नेता कोई नहीं रहा, इनके फादर भी थे, महेंद्र टकैत साहब भी तो किसानों के थे। तो अगर किसानों को याद करा जाएगा तो ब्रांड के तौर पर टकैत फैमिली निकल कर आएगी, जिसने हमेशा टकैत साहब को, टकैत ने लीड कराया, टकैत की फैमिली ने लीड कराया इन किसानों को, चाहे एमएसपी पे हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जुल्म हो, चाहे सन 2013 हो टकैत साहब बैठे थे दिल्ली में आके, चाहे 2018 हो टकैत साहब बैठे थे, तो टकैत साहब की भी छवि सही हो गई कल, इसके बाद जो मीडिया ने खराब करी थी, जो उल्टे सीधे लोगों ने खराब करी थी, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी के नेता ने यहाँ पर आके उत्पात मचाया, तांडव करा। साहब के जो इमोशनल मतलब भावुक वो था संदेश, उसके बाद यूपी के जो किसान आना चाह रहे हैं, तो एसपी बिजनौर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसान जाता है आंदोलन में
हम उस पर कार्रवाई करेंगे, इसे आप किस तरह देखते हैं? बैरिकेड से रोका गया तो इनके बहुत किलोमीटर पैदल चलते। हाँ मैं भी मतलब आप पहले हाँ मेरा क्या पहले आपका जवाब कि ये तो इसी तरह की हरकतें करते हैं, ये कार्रवाई कर देंगे, NSA लगा देंगे, UAPA लगा देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को कुर्की कर देंगे, ये डराना चाहते हैं ताकि बंदर डरा रहे। लेकिन अब सब समझ गए हैं कि अब हमारी मौत घर में भी है बाहर भी है, तो सब सीना ठोक कर बिल्कुल एक फ्रीडम फाइटर की तरह मरना चाहते हैं, क्रांतिकारी की तरह मरना चाहते हैं, भारत को बचाने मरना चाहते हैं, भारत की रोटी बचाने के लिए मरना चाहते हैं। आपने कहा बैरिकेड लगा रखे, तो जज्बों को बैरिकेड की जरूरत नहीं पड़ती, जज्बे दिल से होते हैं, सोच से होते हैं। आप बैरिकेड क्या कुछ भी लगा दिए, जिसको आना है वो आएगा और आ रहा है। बैरिकेड लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर लाखों हैं, अगर ये बैरिकेड हटा दें तो फिर आलम आप सोचें कि यहाँ का क्या होगा।